मैं ध्रुव शाह फ्रॉम IIT धनबाद आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहाँ हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुँचाने की। तो आज हमने हमारे फाउंडेशन सीरीज जो चल रही है 9th और 10th के बच्चों के लिए, उसमें ये सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं। पहली वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और रैशनल इरेशनल नंबर को हमने अच्छे से देखा था। आज जो इसी सीरीज का नंबर सिस्टम्स के चैप्टर का सेकंड टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स एंड देयर टेस्ट्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ लिख कर रखा है, इवन और ऑड डिजिट्स तो आपको पता है। पहले तो डिजिट्स क्या होते हैं, 0 से 9 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यहाँ पर उसमें से इवन डिजिट्स होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8, और ऑड डिजिट्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो बस अब हमको ये आगे तो काम चलिए आएगा। अब हम डिविजिबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही कि जब हम कहते हैं कि कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यह है कि जब हम उस नंबर को उस दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर एक्चुअल डिवीजन मेथड से, तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है। चलिए आपको बेसिक आइडिया तो है ही, तो अब हम थोड़े से डिनोशंस देखते हैं और थोड़े से प्रॉपर्टीज देखते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। बाकी रिमाइंडर वगैरह की, कोशेंट वगैरह की चीज़ें तो हम आगे और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब हम कहते हैं कि ए डिवाइड्स बी, है ना, यानी कि बी इज़ डिविजिबल बाय ए, ए डिवाइड्स बी, तो उसको मैथ्स में ऐसे डिनोट किया जाता है, ए के बाद ऐसा एक डंडा और फिर बी, तो ए डिवाइड्स बी। तो कैसे एग्जांपल हैं, तो हमको पता है 6 इज़ डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि 2 डिवाइड 6, तो उसको लिखेंगे ऐसे। सिमिलरली 3 डिवाइड्स 6, सिमिलरली 6 डिवाइड्स 18 और 7 डिवाइड्स 21, है ना। अगर नहीं है डिविजिबल बी, बी इज़ नॉट डिविजिबल बाय ए, इसका मतलब ए डज नॉट डिवाइड बी, तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ए डज नॉट डिवाइड बी, उस डंडे पर सिर्फ एक क्रॉस मार देंगे। तो क्या एग्जाम्पल है, तो हमको पता है कि 3 7 को डिवाइड नहीं करता, 4 9 को डिवाइड नहीं करता, 5 17 को डिवाइड नहीं करता, 6 19 को डिवाइड नहीं करता, है ना। तो ये बेसिक डिनोशन होता है मैथमेटिक्स का। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसमें। तो पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है कि इफ़ एक्स डिवाइड्स वाई, अब देखिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जो भी लिखा हुआ है ऐसे, तो एक्स इफ एक्स डिवाइड्स वाई एंड वाई डिवाइड्स जेड, तो वो कह रहे हैं कि ये जो पहला एक्स है दैट विल डिवाइड जेड। तो एग्जांपल देखते हैं एक, तो एक्स डिवाइड्स वाई, तो मैं अगर ऐसे ले लूं, मैंने ले लिया कि 3 डिवाइड 6, हाँ सही बात है, 6 डिवाइड 18, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब कि जो ये वाला होगा वो इससे भी, वो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसलिए मैंने लिख दिया 3 डिवाइड 18। तो ऐसे ही आप और भी एग्जांपल लीजिए और देखिए कि ये सही है कि नहीं। दूसरा, इफ एक्स डिवाइड्स वाई एंड एक्स ऑल्सो डिवाइड्स जेड, तो एक्स विल डिवाइड ए वाई प्लस बी जेड, जहाँ पर ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 6, तो अब हम लेते हैं ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू -1, तो ये क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड्स 2 टाइम्स y, यानी कि 8, यानी कि 8 और माइनस में 6, क्योंकि -1 × 6 हो जाएगा z, तो वो -6, तो ये क्या है, 8 - 6 तो 2 ही है, और 2 डिवाइड्स 2, तो हाँ ये भी सही है। आप भी और एग्जांपल्स देखिए और चेक करिए कि ये सही है कि नहीं। अब तीसरे वाले से पहले आप चौथा देखिए, आप हमेशा देखिए ये क्या बोल रहा है, इफ x डिवाइड्स y और दोनों पॉजिटिव हैं x और y, तो x विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू y, क्या मतलब है इसका। आप ये सारे एग्जांपल्स देखिए जहाँ पर डिवाइड 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 है, जो लेफ्ट वाला नंबर है हमेशा वो हमेशा राइट वाले नंबर से छोटा आ रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने वो लिख दिया है कि एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू वाई। इक्वल टू भी हो सकता है क्योंकि 21 डिवाइड 21 भी लिख सकते हैं हम। तो अब आप ये वाली तो समझ गए होंगे, तो अब आप थर्ड वाली देखिए कि अगर ऐसा है कि इफ एक्स डिवाइड्स वाई और वाई भी एक्स को डिवाइड कर सकता है, तो ये तो सिर्फ तभी हो सकता है। तो आप इसको यहां से क्या लिखेंगे कि x इज लेस देन इक्वल टू y
और यहाँ से आप लिखेंगे y इज लेस देन इक्वल टू x। लेकिन अब ये चीज तो सिर्फ तभी पॉसिबल होगी जब ही x और y दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए हमने लिख दिया x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। यहाँ पर साइन मैटर नहीं करेगा, तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब आप देखिए फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला कह रहा है इफ x डिवाइड्स y देन x विल डिवाइड yz फॉर एनी इंटीजर z। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि एक एग्जांपल देते हैं तो 3 डिवाइड्स 9, तो क्या मैं अब 9 इंटू 2 ले लूं तो ये 18 होता है। हाँ ऑल्सो 3 डिवाइड्स 18, तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इस राइट वाले नंबर के साथ, वो भी x के साथ डिविजिबल हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। एक चीज जो मैंने ऊपर वहां पर लिखी है, तो उसका क्या मतलब है कि जब a डिवाइड्स b तो b इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। तो मैं यहां देख आपको एग्जांपल देता हूं उसका। तो आप ये एग्जांपल देखिए 2 डिवाइड्स 6, तो क्या मैं यहां से, मुझे पता है कि 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2, तो इसीलिए हम यहां पर ऐसे लिख रहे हैं कि b इज इक्वल टू एम ए। तो ये जो m यहाँ पर होगा वो 3 होगा और ये इंटीजर भी है, तो ऐसे हो रहा है ये। 3 डिवाइड 6 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3, तो यहाँ पर m 2 है और वो इंटीजर भी है। तो आप हमेशा ऐसा लिख पाएंगे आप 6 डिवाइड 18, तो हमें पता है कि 18 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6, तो यहाँ पर m 3 हो जाएगा। सिमिलरली 7 डिवाइड 21 के लिए आप लिखेंगे 21 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 7, इसीलिए यहाँ पर उस m की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो चलिए अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं सारे नंबर्स की। तो सबसे पहले तो बेसिक रूल क्या होता है कि कोई अगर नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो वो हम एक्चुअल जो डिवीजन करना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो करके देखते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे देखना है कि क्या 132 ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या तरीका होगा, तो जो हम 132 डिवाइड बाई 6 करते हैं वही करेंगे यहाँ पर। तो ये 2 12 आ जाएगा पहला, माइनस करेंगे 1 2, फिर से 2 12 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप देखिए रिमाइंडर जीरो आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर, कोशंट से हमें मतलब नहीं है, कोशंट है 22, रिमाइंडर जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि हाँ 132 6 के टेबल में आता है, या फिर हम कहेंगे कि 132 इज डिविजिबल बाय 6। तो अब सिमिलरली अब हमेशा लॉन्ग डिविजन मेथड बड़े नंबर्स के लिए तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो कुछ कुछ नंबर्स के लिए हमें पता होता है कि उनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट्स होती हैं, तो उससे हम तेज़ी से बता सकते हैं कि कोई गिवन नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले तो हम 2, 4 और 8 का देखते हैं। तो 2 का तो आपको सबको पता होगा, 2 का होता है कि जो यूनिट डिजिट होता है उस नंबर का वो इवन होना चाहिए। अब इवन तो हमने देखे थे 0, 2, 4, 6, 8, ये इवन डिजिट्स होते हैं। तो हर एक नंबर का यूनिट डिजिट अगर इवन हो तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए 40 में यूनिट डिजिट है 0, 0 इवन है, तो हाँ ये 40 जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 22 में 2 यूनिट्स पर है तो हाँ ये भी डिविजिबल होगा 2 से। 63 में 3 यूनिट्स डिजिट है और वो एक ऑड डिजिट है, हमें चाहिए होता है 2 से डिविजिबल होने के लिए इवन डिजिट, तो ये नहीं है। 48, हाँ यूनिट डिजिट 8 है, हाँ ये इवन है, तो हाँ 48 पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल है। तो आप और एग्जांपल्स देखिए ऑड इवन नंबर्स का। बाय 4 से क्या होता है, बाय 4 का रूल होता है कि आपका जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं आपके गिवन नंबर में वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड से लास्ट 2 डिजिट्स 212 में 12 है, क्या 12 4 के टेबल में आता है? हाँ बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल है। 648 में 48 देखिए, 48 क्या वो 4 के टेबल में आता है? हाँ 48 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 12, तो ये आता है इसके टेबल में, इसका मतलब 648 ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। 362, 62 नहीं आता है 4 के टेबल में आप देख लीजिएगा, तो ये नहीं है। 69 तो वो है ही ऑड नंबर, तो नहीं आएगा 4 के टेबल में। 20 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, तो 420 भी 4 से डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबल के लिए है रूल, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट 3 डिजिट्स आप यहाँ देखिए 328, क्या 328 8 के टेबल में आता है? तो आपको ये करना होगा, तो 4 32 08 1 08, हाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, 328 8 के टेबल में आता है, इसका मतलब 4328 4328 ये 8 से डिविजिबल है। 7496 के लिए आप सिमिलरली करेंगे, 496
ये है पीछे से लास्ट 3 डिजिट, इसको आप 8 से डिवाइड करिए तो ये आएगा 6 ज़ा 48, 1 ज़ा 6, ये 2 ज़ा आ रहा है, 2 ज़ा, और यहाँ पर 16, तो ये 0 0, हाँ फिर से रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि 496, 496 इज डिविजिबल बाय 8, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है 7496, ये भी 8 से डिविजिबल होगा। अब आप ऐसे ही और सारे नंबर्स लीजिए और देखिए कि वो 4 से डिविजिबल हैं या फिर 8 से डिविजिबल हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 3, 9, 6 और 5 के लिए। हमने इसके पहले 2, 4 और 8 की तो देखी, तो मैंने 4 एग्जाम्पल दोनों 3 और 9 के लिए हुए हैं। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको देखना हो, यानी कि कोई गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसका क्या मेथड होता है कि आपको उस नंबर के सारे डिजिट्स का सम करके देखना है, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। मैं सारे एग्जाम्पल्स अब 1 बाय 1 बोर्ड पर करता हूँ, आप समझिए। 429 में जो डिजिट्स है 4, 2 और 9, आपको उनका सम करना है। तो ये सम आ रहा है 15, 15 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए 429 में जो पूरा नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 63 में देखिए 6 + 3 करना है आपको, ये आएगा 9, 9 3 से डिविजिबल होता है, हाँ इसका मतलब 63 भी 3 से डिविजिबल होगा। 4404 में आप देखिए 4404, ऐसे आपको ऐड करना है, 4 + 4 + 0 + 4, ये आता है 12, क्या 12 3 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 7652, इसमें आप सम करिए इन चारों डिजिट का, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20, क्या 20 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 9 का भी सिमिलर होता है 3 की तरह ही, तो क्या होता है कि आपको फिर से सम करना है ना डिजिट्स का, 9 + 8 + 0 + 1, तो अब यह आ रहा है 18। तो अब इस बार यहाँ पर जो ये नंबर आ रहा था वो आप देख रहे थे कि डिविजिबल बाय 3 है या नहीं, 9 के आप केस में देखेंगे कि वो डिविजिबल बाय 9 है या नहीं, तो 18 9 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है, इसका मतलब 9801 9 से डिविजिबल है। 3654 देखिए, ऐड करिए सारे डिजिट्स को, ये फिर से 18 आ रहा है, आ रहा है ना, तो 18 आ रहा है, वो फिर से 9 से डिविजिबल होता है 18, इसलिए ये भी डिविजिबल होगा। 7254 देखिए, 7 + 2 + 5 + 4 करके ये फिर से 18 आ रहा है, तो हाँ ये है डिविजिबल 9 से। 879 देखिए, 8 + 7 + 9, ये आ रहा है 24, ठीक है ना, 24 नहीं होता डिविजिबल 9 से, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए क्या होता है, तो अब देखिए 6 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 3, तो अब ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल हो तो वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए तो वो नंबर इवन होना होना चाहिए, तो पहले तो आप देख लीजिए इन तीनों में इवन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, तो ये तो नहीं आने वाला है, और ये वाला है अभी भी इवन। अब आप इन दोनों में 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, तो ओरली करने का ट्राई करते हैं, तो देखिए इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 4 + 2 + 0 यानी कि 6, क्या 6 3 से डिविजिबल होता है, हाँ क्योंकि वो होता था डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के लिए होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो 420 है वो 6 से डिविजिबल है, ये तो गया ही क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 874 को देखिए, इवन तो है, अब सम ऑफ डिजिट्स करिए, 8 + 7 + 4 कितना आ रहा है, 19, 19 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, भले ही इवन नंबर है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फेल कर गया। चलिए अब 5 का देखते हैं, 5 के लिए क्या होता है कि जो यूनिट्स डिजिट हो वो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, ये तो ईजी है ना, तो इसमें 5 है यूनिट्स डिजिट पर, इस पर 0 है, इस पर 5 है, इस पर नहीं है, 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 है, तो ये नहीं होगा, ये तीनों होंगे। अच्छा अब एक चीज, ये जो हमने किया ना सम ऑफ डिजिट्स जो किया, उसको थोड़ा सा और से, तेजी से हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये 3 का एग्जांपल देखिए आप, 400 429, तो उसमें आप क्या करिए, पहले जितने भी आपको 3 या फिर 3 के मल्टीपल वाले डिजिट दिख रहे हैं ना, तो 3 या फिर 3 के मल्टीपल यानी कि 369, तो 9 दिख गया उसको काट दीजिए, फिर जो बच रहा है उसको ऐड करिए, तो ये 4 + 2 बच्चा सिर्फ 6, अब 6 हाँ 6 डिविजिबल होता है 3 से, तो इसीलिए ये आ जाएगा डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली 63 देखिए, तो ये तो पूरा ही कट जा रहा है, तो सम ऑफ डिजिट्स आप ऐसे बोलेंगे तो 0 आ रहा है, तो 0 या फिर 3 का अगर मल्टीपल हो तो फिर वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है। 4404 देखिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं कट सकता, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स 4 + 4 + 0 + 4 12, तो हाँ है ना। 7652, इसमें भी आप फिर से देखिए 6 को काट सकते हैं, अब बचा क्या 7, 5 और 2, ये होता है 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं होता,
इसका मतलब वो इसलिए नहीं आया। सिमिलर चीज आप 9 में भी कर लेंगे, ठीक है ना। 9 में जितने भी 9 दिख रहे हैं अगर किसी नंबर में, तो उसको पहले काट दीजिए। 9801 में पहले ही 9 दिख गया, उसको हटा दिया। 801 बचा, उसको ऐड कर दीजिए, उसका आया 9। अब यहाँ पर भी और अच्छी चीज क्या कर सकते हैं कि 8 और 1, या फिर 2 और 7, या फिर 3 और 6, या फिर 5 या 4, ये अगर एक साथ आए तो इनका सम 9 बनता है ना, तो उसको आप हटा दे और फिर जो बचेगा उसका ऐड करें। तो यहाँ पर 8 और 1 को मैंने काट दिया, क्योंकि वो भी मिलाकर 9 बनते हैं, उसको भी काट दिया। सिर्फ सिर्फ बचा 0। 0 भी हो या फिर 9 से डिविजिबल हो नंबर, तो ये नंबर आप बोल सकते हैं कि डिविजिबल बाय 9 होगा। 3654। अब मैंने जो ट्रिक बोली आपको, 3 और 6 का सम होता है 9, तो उसको पहले काट दीजिए। 4 और 5 भी सम होता है 9, तो उसको भी काट दीजिए, फिर से सम 0 आया, ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 7254 में भी सेम चीज, 5 और 4 तो होते हैं। तो अब हमने 2 से लेकर के 9 में, हमने 2 का देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 का देखा, 4 का देखा, 5 का देखा, 6 का देखा, 8 का देखा, 9 का देखा, 7 का नहीं देखा। तो अब 7 का देखते हैं। तो 7 का बहुत खास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा हटके होता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमने एग्जाम्पल्स ऐसे ही रैंडमली ले लिए हैं। 742, 80, 8609, 343। कैसे चेक करना होता है अब मैं आपको बताता हूँ। अब 742 देखिए, आपको हमेशा आपके नंबर का यूनिट्स डिजिट लेना है, उसको डबल करना है। तो 2 × 2 ये हो गया 4, और जो बचा हुआ नंबर है उसमें से माइनस कर देना है। तो 74 − 4 कर देना है, तो ये बचा 70। तो अब आपको देखना है कि ये जो नंबर बचा वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 70 होता है 7 से डिविजिबल, इसका मतलब ये जो नंबर है 742, 742 ये 7 से डिविजिबल होगा। 8609 देखिए, इसमें यूनिट डिजिट है 9, ये होता है 18, इसका डबल 860 − 18 करिए, ये होता है 842। अब हमको कैसे पता कि ये नंबर 7 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप फिर से सेम चीज लगा दीजिए। इसका यूनिट डिजिट देखिए 2 है, इसको डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर इसको 84 − 4 करेंगे तो ये आएगा 80। तो ये जो नंबर बचा है 80, क्या अब वो 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है, अब तो हम बता सकते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है 8609 वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 343 343। आप देखिए 343 में यूनिट डिजिट है 3, उसको डबल किया तो आएगा 6, 34 − 6 करेंगे तो 28 आया। क्या 28 7 के टेबल में आता है? हाँ आता है, 4 जा, इसका मतलब कि 343 भी डिविजिबल है 7 से। तो आप और एग्जांपल्स लीजिए, बड़े बड़े नंबर्स भी लीजिए, ट्राई करिए, उस पर रिपीटेटिव आपको प्रोसेस लगाना पड़ेगा। जैसे हमने 8609 के केस में देखा, आप देखिए कि वो नंबर जो आप ले रहे हैं वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब 10 के आगे, 10 10 डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या होता है कि यूनिट्स डिजिट अगर जीरो से डिविज मतलब यूनिट्स डिजिट अगर जीरो हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। 420 60 8660, ये सारे नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। तो 10 की तो आपने देख ली, 11 की आप देखिए, 11 की भी बहुत बहुत यूनिक होती है। इसमें क्या होता है कि आपको सारे ऑड प्लेस वाले जो नंबर्स है ना, ऑड प्लेस का क्या मतलब है कि फर्स्ट प्लेस 5 है वो ऑड है, इसके बाद आपको तुरंत 6 को जंप कर जाना है, और अब तीसरी प्लेस पर जो नंबर है फिर उसके और एक बार जंप के बाद जो यहाँ पर है, फिर जंप के बाद जो यहाँ पर है, इन सारों का सम करना है। तो 5 + 7 + 4 + 2 कितना आएगा? ये 18 आएगा। और जो अब बचे हुए नंबर्स हैं 6 8 3 और 1, उनका सम करना है। 6 + 8 + 3 + 1 कितना आएगा? ये 18। अब ये जो नंबर है इनका डिफरेंस कर दीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 18 − 18 जीरो आया, जीरो। तो या तो जीरो हो, या तो ये जो नंबर है वो 11 से अगर डिविजिबल हो तो ये जो पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो हाँ, ये जीरो आ रहा है डिफरेंस, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। और एक एग्जांपल देखते हैं, आपको नहीं समझ में आया हो तो पहला लीजिए, फिर जंप करिए ये वाला, फिर से जंप करिए तो ये वाला, फिर से जंप करिए तो ये वाला, इन सब का सम कर दीजिए। 3 + 3 + 5 + 9 6 11 और 9 20, जो बचे हुए हैं उनका सम करिए तो वो आएगा 6 + 4 + 6 16, है ना 16।
अब 20 माइनस 16 करिए या 4, ये तो ना तो 0 है ना तो ये 11 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, जबकि ये वाला था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और ऐसा एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहे। थैंक यू।